के वीडियो, रील्स, फोटो, स्टोरी बहुत पोस्ट करते हो, दिखावा करते हो। हमने कहा नहीं साहब, सेल्फ मोटिवेशन कहते। मौका है जनाब, विचार बना लो, लैलाओं को मारो गोली और अच्छे यार बना लो। लेवल लेवल का फर्क है मैडम, अपने बॉयफ्रेंड को देख और हमें देख। जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, वो कोई एक रात का हलवा नहीं है। देर से आऊंगा लेकिन चर्चे करा के जाऊंगा। हमें निकम्मा कहने वाले लोग वही है जिनकी औलादे सपने देखती है हमारे जैसे बनने के। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जिनके खुद के दम पर वजूद होते हैं वो बिना सपोर्ट के भी मजबूत होते हैं। हमारा अंदाज ही कुछ ऐसा है जनाब कि देखने वालों को क्यूट और जलने वालों को एटीट्यूड लगता है। जिम भी एक नशा है और आजकल हम बहुत नशे में। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं मैं, अपनी उम्र से काफी बड़ा हूं मैं। इल्जाम तो लगेंगे, जोर दो जवानी का है। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। शरीफ रहना पसंद है हमें, कृपया मजबूरी ना समझे। मैं भी वक्त जैसा हूँ, कदर न करने वालों को दोबारा नहीं मिलता। मैं क्या हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, दुनिया तो बस अंदाजा लगा सकती है। तुम बस तमाशा देखो, हम सिखाएंगे खेल कैसे खेलते हैं। जिसके सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं ना, वो अकेला नहीं पड़ा करते, ना हिम्मत हारते, ना हमेशा तेरे साथ था हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। किसी का भी टाइम बदल सकता है, किसी का भी लाइक पासा पलटने में टाइम नहीं लगता। सो ये हर एक की किस्मत है, हर कोई अपनी लाइक लेकर आया है। अच्छे क्या पता किसने कहाँ से कहाँ चले जाना है। सो नेवर जज पीपल एंड नेवर कमेंट, क्योंकि जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर मुझे याद करें, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है मुझे। ब्रो जब पहचान खुद के दम पे बनती है ना, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम कौन हो। थोड़ी मेहनत और कर ले मेरे भाई, फिर कामयाबी के साथ वो भी आएगी जिसके तू सपने देखता है। वैसे तो मैं भी वो शरीफ हूँ मेरे भाई, ये तो जलने वालों ने बदनाम कर रखा है। आज मैंने एक बात सीखी है कि जितने ये लोंडे कहते हैं कि बॉडी टीके लगा के बनाई है, इनकी बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि एक सुनार को सोने की पहचान होती है। ये जो शून्य मुन्ने पबजी खेलने वाले, इन्हें बॉडी बिल्डिंग का क्या पता। बॉडी बिल्डिंग का उससे पता होगा जो बॉडी बिल्डिंग कर चुका होगा। किसी ने मेरे से पूछा कि जिम की कितनी तलब रहती है, मैंने कहा ज्यादा नहीं, बस जितना भूखे शेर को खाने की रहती है बस उतनी। कुछ रिश्तेदारों ने टोका है मुझे कि ये लड़का पढ़ाई नहीं करता है, कहाँ जाएगा। मैंने कहा थोड़ा वक्त का इंतजार करो, ये लड़का तुम्हारी औकात से बाहर जाए। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, पहली नजर में कोई भी लड़की आपसे मुतासर हो सकती है। इज्जत मैटर करती है जनाब, फॉलोवर तो मियां खलीफा के भी है। तुम्हारे बाप लोगों ने सब सही किया, लेकिन एक मिस्टेक कर दी, तुम सबको मेरे टाइम पर पैदा कर दिया। मैं राज करता रहूंगा, तुम सब घास छिलते रहना। What do you say, सोना? Am I right? है जी, सोखी नहीं बनती बॉडी, शरीर को देना पड़ता है कष्ट। सोखी नहीं बनती बॉडी, शरीर को देना पड़ता है कष्ट। आप क्या कहते हो, प्रोटीन खाते हो? एक चम्मच खा के देख लियो, चार दिन हटेंगे नहीं दस्त। एक बात कहनी है दोगलो, दम है तो रोक लो।
अपने आप को इतना सीधा भी मत बनाओ कि हर कोई आपका फायदा उठाने लगे। जिन तारों में करंट नहीं आता ना, उनमें कपड़े सुखा दिए जाते हैं। हमें पसंद नहीं किसी का इंतजार करना, इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं थोड़ी देरी से जाते हैं। जब दर्द हो तो समझ लो कुछ बदलने वाला है, और अगर दर्द नहीं हो रहा है तो समझ लो कुछ बदल ही नहीं रहा है। अपने आप को ताकतवर बना लो, फिजिकली और मेंटली। इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए तीन तरीके की पावर चाहिए। पावर सर? मनी पावर, पॉलिटिकल पावर, मसल पावर। पैसा, ताकत या तलवार। अबे मेहनत करते हैं हम, इसीलिए आज हमारे चर्चे हैं। और तू बराबरी की बातें छोड़, क्योंकि जितनी तेरी मंथली सेविंग है ना, ये तो टाइम की मार है मेरे भाई। ना तुम्हारी जान की कसम, हिसाब तुम्हारा भी करूंगा। देख तू अच्छी लगती है मुझे, ये प्यार के रूल मुझे मत सिखा। पसंद हूँ तो हाँ कर, ये फोकट का एटीट्यूड मुझे मत दिखा। आए, प्यार में टूटे हुए लगते हो। हमें पता है हम कहाँ काम आएंगे। नंबर मत काटना डार्लिंग, बहुत जल्दी याद आएंगे। मैं